क्या आप भी उन लोगों में से एक हो जो शक्तिमान और कैप्टन व्योम जैसे देसी सुपरहीरोज का एक एपिसोड देखने के लिए हफ्ते भर इंतजार करते थे, या अलीफ लाला चंद्रकांता जैसे सीरियल देखने के लिए देर रात जगते थे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि इन शोज की लोकप्रियता का आलम क्या था। लोग इन शोज का वेट वैसा ही करते थे जैसे आज के समय में लोग मार्वल डीसी के शोज या मूवी का करते हैं। वैसे आज के समय में तो शोज या मूवीज देखने के बहुत से मीडियम आ गए हैं, पर पहले बस इसका ही सहारा था जिसका लोगो ही उतने देर में रिवील होता था जितने में तो आज के लोग 15-20 इंस्टाग्राम रील्स निपटा दें। और इसके बाद भी जब शो शुरू होने वाला होता था तब एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा डर भी रहता था कि कहीं बिजली विभाग वालों की नजर ना लग जाए। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पॉपुलर शोज के बारे में बात करेंगे दोस्तों जो 100% डिजर्व करते हैं एक जोरदार कमबैक ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर सिल्वर स्क्रीन पर। ये वही धुन है जिसको आज भी 90s या अर्ली 2000 के जनरेशन को बिल्कुल मुंह जबानी याद है, और ये टाइटल सॉन्ग सुनते ही ना केवल पुरानी यादें ताजा हो जाती है बल्कि इस बात का थोड़ा अफसोस भी होता है कि काश इस शो के लिए वैसी दीवानगी आज भी होती। ऑल्दो आज भी ये शो Amazon प्राइम या YouTube में बड़े ही आसानी से देखा जा सकता है, पर शायद अब वो एक्साइटमेंट वापस नहीं ला सकते जो पहले था। पर वही एक्साइटमेंट और रोमांच फिर से तभी आ पाएगा जब इसे रीबूट कर नए सिरे से कुछ नएपन के साथ वापस लॉन्च करें आजकल के ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए। अब हो सकता है काफी लोग बोले कि नहीं, हमें वही शक्तिमान चाहिए, वैसा ही फील चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन्हें मैं फिर से बता दूं कि ये शो Amazon प्राइम या YouTube में अभी भी उपलब्ध है जिसे आप बार बार देख सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ बात हो रही है इंडिया का पहला सुपर हीरो शो शक्तिमान के रीमेक का, और रीमेक का मतलब जैसा पहले था वैसा ही बना देना नहीं होता बल्कि उसका और भी बेहतर वर्जन पेश करना होता है जिसे आज की ऑडियंस में भी वैसा ही एक्साइटमेंट आए जैसा 90s या अर्ली 2000 के लोगों में आया था। वैसे हाल ही में मुकेश खन्ना जी ने शक्तिमान की ट्रायलॉजी फिल्म की घोषणा की थी जिससे शक्तिमान के फैंस के बीच एक अच्छा खासा उत्साह का माहौल बन गया था, पर ये घोषणा किए हुए 6 महीने बीत चुका है और अब तक न किसी प्रोडक्शन हाउस का पता चला कि फिल्म कौन बना रहा है और न ही एक्टर का पता चला कि शक्तिमान का रोल कौन प्ले करेगा। और यही कारण था कि मैंने अपने पिछले 6 अपकमिंग इंडियन सुपर हीरोज की मूवी वाले वीडियो में शक्तिमान ट्रायलॉजी को मेंशन नहीं किया था, क्योंकि बाकी फिल्म तो कंफर्म है और कुछ का काम तो चालू भी हो गया है, पर इस प्रोजेक्ट के बारे में अब तक केवल एक ट्वीट ही आया है। हमारा यहाँ कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये खबर या ट्वीट झूठी है, बस हम थोड़े और कंफर्म न्यूज और डिटेल्स का वेट कर रहे हैं। बट जस्ट इन केस अगर ये फिल्म फ्यूचर में बनती है तो वाकई में इंडियन सुपर हीरोज जैसे कॉन्सेप्ट की फिल्म के लिए ये एक बार और मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, बस इसमें पुराने फैंस को खुश करने के लिए कुछ ऐसी गलतियां ना कर दे जो इस ट्रायलॉजी का भी हाल वैसा ही करते जो हमारा हीरो शक्तिमान का हुआ था। वैसे इस टॉपिक पे हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, चाहे तो आप इस वीडियो के बाद इसे देख सकते हैं, पर इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं, क्योंकि अब हम एक ऐसे सुपर हीरो की बात कर रहे हैं जो शक्तिमान की तरह बहुत पॉपुलर तो नहीं था, बट यस, बहुत से लोगों को ये शक्तिमान से भी ज्यादा पसंद था, जो है कैप्टन व्योम, जो कि उस वक्त आया था जब शक्तिमान की पॉपुलैरिटी अपने चरम पे थी। शायद इसके मेकर्स ने सोचा होगा कि शक्तिमान की पॉपुलैरिटी का इफेक्ट इस शो पर भी पड़ेगा और इस शो को भी वैसी ही सफलता हासिल होगी जो शक्तिमान को मिली थी, पर शायद दांव थोड़ा उल्टा पड़ गया। शक्तिमान का इफेक्ट पड़ने के बजाय इसका साइड इफेक्ट पड़ गया और शक्तिमान के सामने ये शो हमेशा ही कमतर नजर आने लगा। पर बावजूद इसके ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है इससे कुछ लोग सहमत ना हो, पर उस वक्त की साईफाई मूवी के हिसाब से ये एक काफी अच्छा प्रयास था जो डेफिनेटली एक और चांस डिजर्व करता ही है। पर चूंकि ये स्टार वॉर टाइप का साईफाई शो था तो आज के समय में इसे रीमेक करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उस वक्त तो इस शो का कंपटीशन केवल एक ही शो के साथ था। पर आज के समय में तो आपको पता ही होगा कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट के शोज या फिल्म कितने सारी आ चुकी है, और बगैर हैवी इन्वेस्टमेंट के इसे रीमेक करना शायद वही गलती फिर से दोहराने की तरह होगा। खैर, वैसे दूसरों की तरह मैं भी इस शो को ज्यादा नहीं देख पाया था इसलिए उसकी उतनी ज्यादा याद
यादें नहीं है मेरे पास। तो अगर आपके पास इस शो की कुछ अच्छी यादें या फिर इस शो के बारे में कुछ और स्पेशल ओपिनियन रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शो कौन सा है जिसकी री एंट्री फिर से वैसे ही कमाल करेगी जैसे पहले एंट्री में की थी, और वो है मुकेश खन्ना की ही एक और सुपर हीरो शो आर्यमान, जिसका भी बेस था स्पेस ओपेरा। वैसे एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, पर काफी लोगों का ये मानना है कि ये शो कैप्टन व्योम से इंस्पायर्ड था। एक मिनट, शक्तिमान से इंस्पायर्ड होकर कैप्टन व्योम बना और कैप्टन व्योम से इंस्पायर्ड होकर, लगता है उस वक्त काफी इंस्पायर्ड का माहौल था। बट एनीवेज, अब ये एक अफवाह थी या कुछ और ये तो हम नहीं बता सकते, पर ये जरूर बता सकते हैं कि 2002 में शुरू होने वाली ये शो वाकई में कमाल करती। पर इस शो का जो सबसे बड़ा दुश्मन बना वो था डिश कनेक्शंस, जो तेजी से अपने पैर पसारते जा रहा था। लोगों के पास अब केवल दूरदर्शन ही नहीं बल्कि और भी दूसरे चैनल्स जैसे सोनी, जी टीवी, स्टार प्लस जैसे ऑप्शन थे, जो और भी एक से बढ़कर एक टीवी शोज लेकर आने लगे, जिसके सामने ये शो ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाया। वैसे इसका प्रोडक्शन हाउस भी भीष्म इंटरनेशनल था, जिसने शक्तिमान को बनाया था। तो फिलहाल अगर मुकेश खन्ना शक्तिमान ट्रायलॉजी में उलझे हुए हैं तो वो इस शो को रीमेक करने के बारे में शायद ही सोचे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो कोई सुपर हीरो तो नहीं था पर किसी सुपर हीरो से कम भी नहीं था, जिसका नाम था ब्योमकेश बख्शी, जो 2015 में एक बार एंट्री तो मार चुका था और उसकी फिल्म भी काफी अच्छी और क्लास की बनी थी। पर शायद न्यू कमर एक्टर होने के कारण ये फिल्म उतनी कमाई नहीं कर पाई और बॉक्स ऑफिस में ये बिलो एवरेज ही था। और यहाँ पूरी गलती हमारे इंडियन ऑडियंस की ही है जिन्होंने इसे बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। लेट सुशांत सिंह राजपूत के बजाय अगर इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार होता तो शायद कुछ और ही सीन होता। और यही बात मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि बॉलीवुड को गाली देने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं पर इस मुद्दे पर वो हमेशा से ही चुप्पी साध लेते हैं। बट एनीवेज, ये तो थोड़ी पुरानी बातें हैं। आज के समय में OTT के आने के कारण सिचुएशन थोड़ा बदला हुआ सा है। बहुत से न्यू कमर्स के शोज को आजकल हम देख सकते हैं जो वाकई बहुत अच्छी होती है और पॉपुलर भी वैसे ही होती है, और किसी भी बड़े स्टार को वो बड़े ही आसानी से टक्कर देते दिख जाते हैं। बिल्कुल ताजा एग्जांपल के तौर पर आप इस शो को ले सकते हैं, जिनके सामने जूनियर बच्चन भी पानी पीते नजर आ गए। तो अनडाउटली अगर ब्योमकेश बख्शी का ये शो नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म पर फिर से आ जाए तो डेफिनेटली ये धमाल ही मचाएगा। आई नो, इन दोनों का नाम सुनते ही काफी लोग बोलेंगे कि भाई ये दोनों शो का रीमेक किया जा चुका है, जो मुझे भी पता है, पर क्या आज की ऑडियंस इस डेली सोप टाइप के सीरियल को देखेगी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि पुराने ऑडियंस जो कि अलीफ लैला और चंद्रकांता जैसे फैंटेसी शो के फैन थे वो भी शायद इसे सिरे से नकार दें। मेरा मानना है कि अगर आप इन शोज का रीमेक कर रहे हैं तो ऐसा करो कि जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसी फीलिंग आए। चलो की फिल्म के साथ कंपेयर ना करें तो कम से कम बाहुबली या पद्मावत टाइप की फीलिंग लाओ। ये तीन बार क्या 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 बोलने वाली फीलिंग कोकिला बेन तक ही सीमित रखना था, बिना वजह के दो अच्छे शोज की वाट लगा दी। खैर, अब बन चुका है तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता, पर आगे उम्मीद की जा सकती है कि कोई अच्छा सा फिल्म या शो मेकर इन शोज का कुछ अच्छा क्वालिटी वाला रीमेक करे। तो ये वो शोज थे जो हमें लगता है कि इन्हें डेफिनेटली एक बार और री एंट्री करना ही चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इन शोज के अलावा और कितने पुराने शोज हैं जिन्हें एक बार फिर से दर्शकों के सामने लाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।